हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ रुचिका चुग। और आज के वीडियो में हम जो कंसेप्ट की बात करेंगे वो कंसेप्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। अपना क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आपको मेरा वो मैजिक हेक्सागन तो याद होगा, ये रहा मेरा मैजिक हेक्सागन, जहाँ पे जो सिक्स हमारे जो वर्टिसेस थे उनको मैंने नाम दिया था साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉट थीटा, कोसेकेंड थीटा, सेकेंड थीटा, टेंजेंट थीटा। इनको मैंने डायगोनली कनेक्ट किया था उनके कॉम्प्लीमेंट्री और रेसिप्रोकल फंक्शन के साथ, और मैंने बोला था कि अगर मैं सेंटर में वन लिखूं तो इन स्पेशल ट्रायंगल में अगर मैं क्लॉकवाइज मूव करूं तो आइडेंटिटी बनती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। दिस इज़ द फर्स्ट आइडेंटिटी। नेक्स्ट हम बात करें अगर इस ट्रायंगल की, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंड स्क्वायर थीटा, थर्ड टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस वन इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा। अब जो हम क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं, ये तीन आइडेंटिटी को हम एज इट इज़ भी यूज़ कर सकते हैं या फिर इनमें से हम कुछ डिराइव भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो हम क्वेश्चंस में देख लेते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन इस टॉपिक पे है, इवेलुएट वन प्लस टेंजेंट थीटा प्लस सेकेंड थीटा इन टू वन प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेकेंड थीटा। इसको इवेल्युएट करना है, मतलब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है और फाइनल आंसर निकालना है। आंसर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम रेशियो की भी हेल्प ले सकते हैं और ये आइडेंटिटीज़ की भी हेल्प ले सकते हैं, और अगर कहीं ज़रूरत पड़ी तो हमारी पुरानी आइडेंटिटीज़ जो हमने एलजेब्रा में पढ़ी, मतलब एलजेब्रिक आइडेंटिटीज़, उनकी भी हेल्प ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। तो एज इट इज़ पहले मैं क्वेश्चन लिखूँगी, वन प्लस टेंजेंट थीटा प्लस सेकेंड थीटा इन टू वन प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेकेंड थीटा। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी मैं कोई भी आइडेंटिटी अप्लाई नहीं कर सकती, तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे जितने भी फंक्शंस हैं, तीन फंक्शंस हम बेसिक मानते हैं साइन कॉस टेंजेंट, और बाकी उनके हम रेसिप्रोकल मानते हैं, साइन का हो गया कोसेकेंड, कॉस का हो गया सेकेंड, टेंजेंट का हो गया कॉट। और इन तीनों में से दो मेन साइन एंड कॉस एक ऐसे फंक्शन है जिसको आगे ब्रेक नहीं कर सकते। तो अगर आपके पास कुछ कॉम्प्लेक्स फंक्शन आता है तो पहले उसको ब्रेक करो फिर आइडेंटिटी लगाओ। तो स्टार्ट करते हैं, वन प्लस टेंजेंट थीटा कैन बी ब्रोकन इनटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस सेकेंड थीटा की जगह हम लिख सकते हैं वन अपॉन कॉस थीटा। देन वन प्लस कॉट थीटा को याद होगा हम लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये देखो टेंजेंट साइन बाय कॉस, कॉट उसका रेसिप्रोकल कॉस बाय साइन, माइनस कोसेकेंड थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम लिख सकते हैं वन अपॉन साइन थीटा। अभी भी हम आइडेंटिटी अप्लाई नहीं कर सकते, तो थोड़ा सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, आप देख सकते हैं इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, इसका कॉस है, इसका कॉस है, तो यहाँ पे एलसीएम बन जाएगा कॉस थीटा। तो कॉस थीटा डिवाइडेड बाई वन कॉस थीटा इन टू वन मिल जाएगा हमें कॉस थीटा, प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा वन, वन इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा वन, वन इंटू वन वन। ये जो हमने एलसीएम वाला कंसेप्ट लगाया वही सिंपल है। इस साइड भी हम सेम करेंगे, साइन थीटा यहाँ कुछ नहीं है, तो एलसीएम आएगा साइन थीटा डिवाइडेड बाई वन साइन थीटा इंटू वन साइन थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा वन, वन इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा वन, वन इंटू वन वन। अभी भी लगता है कि हम आइडेंटिटी लगा सकते हैं, अभी भी नहीं लगा सकते हैं, तो कुछ और सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखो ये क्या है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस वन, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस वन। क्या मैं यहाँ पे कॉस थीटा की जगह साइन थीटा और साइन थीटा की जगह कॉस थीटा ला सकती हूँ, बिल्कुल ला सकती हूँ। कॉमोटेटिव लॉ ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, तो देखें क्या होता है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस वन डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। इसको एज इट इज़ लेते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस वन डिवाइडेड बाय साइन थीटा। अब अगर न्यूमरेटर को ध्यान से देखा जाए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इसके पास भी है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इस ब्रैकेट में भी है, वन इधर भी है, वन इधर भी है, दोनों के बीच में, यहाँ पर प्लस है, यहाँ माइनस है। तो कुछ याद आया, यहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं एलजेब्रिक आइडेंटिटी। वो क्या होता है, ए प्लस बी
इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सिंपली हम लगा सकते हैं ए यहाँ पे है हमारा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और बी है यहाँ पे वन। तो ए स्क्वायर मतलब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ए स्क्वायर करना है हमें तो इसको करेंगे स्क्वायर, माइनस बी यहाँ पर है वन, वन स्क्वायर अपॉन, हमने न्यूमरेटर और न्यूमरेटर पे आइडेंटिटी लगाई, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लगाई। अब कॉस थीटा एंड साइन थीटा डिनोमिनेटर को एज इट इज़ मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब अगर मैं इस आइडेंटिटी को ध्यान से देखूं, ये फिर से एक नई आइडेंटिटी जो आपने पढ़ी हुई है छोटी क्लास में, ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो इसको मैं कैसे सिंप्लीफाई करूंगी, ये होगा ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी, टू ए बी मतलब टू साइन थीटा कॉस थीटा। मतलब मैंने यहाँ पे आइडेंटिटी लगा के इसको एक्सपैंड किया, माइनस वन स्क्वायर होता है वन अपॉन, ये हमारा एज इट इज़ रहेगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब आगे कैसे सॉल्व करेंगे, अब आप अगर ध्यान से देखो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आ चुकी है, वो क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, तो इसको हम रिप्लेस करेंगे। कैसे करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसकी जगह मैंने लिखा वन प्लस टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस वन, मतलब सिर्फ मैंने रिप्लेस किया बाकी एज इट इज़ है, अपोन अपोन क्या था हमारे पास कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, एक हमारे पास माइनस वन है एक हमारे पास प्लस वन है, यहाँ पर हम ये कैंसिल कर देते हैं, इज इक्वल टू नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे टू साइन थीटा अपोन टू साइन थीटा और ये कॉस थीटा भी है साथ में अपोन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। सब कुछ ऊपर मल्टीप्लिकेशन में है नीचे मल्टीप्लिकेशन में कैंसिल कर सकते हैं, साइन थीटा कैंसिल होगा साइन थीटा से, कॉस थीटा कैंसिल होगा कॉस थीटा से, इज इक्वल टू टू। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास आ चुका है टू। मुझे यहाँ पे ये भी बताना है कि मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी अप्लाई कहाँ की है, वो मैंने इस स्टेप में की है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बिग ब्रैकेट लगा के बिकॉज साइन लगा के एक बार आइडेंटिटी लिखेंगे, वो आइडेंटिटी क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। जब भी आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगाओ एक बार बिकॉज के साथ रीज़न ज़रूर मेंशन कर देना, और इस क्वेश्चन का आंसर हमारा आ चुका है टू। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, प्रूव दैट टेंजेंट थीटा अपॉन वन माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन वन माइनस टेंजेंट थीटा शुड बी इक्वल टू वन प्लस सेकेंड थीटा कॉसेकेंड थीटा। अब इस क्वेश्चन को अगर हम पिछले क्वेश्चन से कंपेयर करें, पिछला क्वेश्चन था इवैल्यूएट, मतलब हमें सिर्फ आंसर निकालना था, बट इस क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है। और पहले मैंने आपको बोला हुआ जब प्रूव करने के क्वेश्चन आते हैं तो हम LHS को अलग से सॉल्व करेंगे, RHS को अलग से सॉल्व करेंगे और उनके दोनों के आंसर सेम आने चाहिए। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं ये। पहले मैं लेती हूँ LHS, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है टेंजेंट थीटा अपॉन वन माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन वन माइनस टेंजेंट थीटा। अब अगर ध्यान से देखें तो अभी हम यहाँ पे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी नहीं लगा सकते, तो हम पहले क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स फंक्शन को हम सिंप्लेक्स में लेकर आएंगे, हो सके तो एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लगाएंगे, फिर अगर हमें कहीं पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगते हैं तो उसको अप्लाई करके सॉल्व करेंगे। तो कैसे करेंगे, टेंजेंट थीटा हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपोन कॉस थीटा अपोन वन माइनस कॉट थीटा, हम लिख सकते हैं कॉस थीटा अपोन साइन थीटा प्लस कॉट थीटा, यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस थीटा अपोन साइन थीटा अपोन वन माइनस साइन थीटा अपोन कॉस थीटा। सिंप्लेक्स तो यहाँ पर आ गए, अब इनको हम सॉल्व करते हैं फर्दर, ये तो एज इट इज़ रहेगा साइन थीटा अपोन कॉस थीटा अपोन, यहाँ पर अगर हम एलसीएम लें तो ये होगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होल अपोन साइन थीटा। ये मैंने यहाँ पे एलसीएम की हेल्प से सॉल्व किया है, सेम हम इस पार्ट को भी सॉल्व करेंगे, न्यूमरेटर एज इट इज़ लेंगे, डिनोमिनेटर को एलसीएम की हेल्प से सॉल्व करेंगे, कॉस थीटा माइनस
साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब क्या करेंगे, जब हमारे पास अपॉन टू अपॉन आता है तो हम इसको रेसिप्रोकल से सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व होगा, ये साइन थीटा ऊपर न्यूमरेटर है तो ये साइन थीटा ऊपर ही रहेगा, इसका जो डिनोमिनेटर है फर्दर वो नीचे चला जाएगा, इसका जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर चला जाएगा, मतलब इनटू साइन थीटा होगा, और जो नीचे का न्यूमरेटर है वो नीचे ही रहेगा। ब्रैकेट में लगा देते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस, यहाँ पर कॉस थीटा ऊपर है तो वो ऊपर ही रहेगा, कॉस थीटा अपोन इसके अपोन वाला नीचे चला जाएगा साइन थीटा, जो नीचे हमारा न्यूमरेटर है वो नीचे ही रहेगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और जो इसका डिनोमिनेटर है वो ऊपर चला जाएगा। अब इसे अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो ये कैसे सॉल्व होगा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पर बीच में प्लस है, प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे साइन थीटा होल इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब अगर ध्यान से डिनोमिनेटर देखें तो यहाँ पे ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, मुझे इन दोनों को सेम करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको एज इट इज़ रखते हैं, इसको उल्टा करते हैं, साइन थीटा को आगे ले आते हैं, कॉस थीटा को पीछे ले जाते हैं, तो ये माइनस साइन अगर मैं एज इट इज़ लूँ तो यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको मैंने चेंज नहीं किया है, ये प्लस का माइनस होगा क्योंकि मैं इन दोनों को रिवर्स करने वाली हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा इंटू रिवर्स करेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब हमारे पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, ये हम कॉमन ले लेंगे, कैसे लेंगे, डिनोमिनेटर का कॉमन है तो कॉमन जो बाहर आएगा वो वन अपॉन के साथ आएगा, कैसे आएगा, वन अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये बाहर कॉमन आ गया तो अंदर हमें क्या मिलेगा, अंदर मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, इसे फर्दर सॉल्व करें, वन अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ब्रैकेट कॉस थीटा और साइन थीटा दोनों को एलसीएम में लिखेंगे तो न्यूमरेटर क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा मीन्स साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, हमें मिलेगा कॉस क्यूब थीटा। अब सोचो इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे फिर से हमें कोई एलजेब्रिक आइडेंटिटी दिख रही है, वो कौन सी है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, याद होगा क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे उसे, वन अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये मैं एज इट इज़ लिख रही हूँ, यहाँ पे एलजेब्रिक आइडेंटिटी लगेगी, वो होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा इन ब्रैकेट इनटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इनटू साइन थीटा। यहाँ पर मैंने लगाई है एलजेब्रिक आइडेंटिटी, कौन से वाली, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब यहाँ पर देखो नीचे है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ऊपर भी मल्टीप्लिकेशन में है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ये हो सकता है हमारा यहाँ पर कैंसिल। कैंसिल करने के बाद जो बचा है उसको अगर ध्यान से देखो, यहाँ पर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी अब दिख रही है, वो कौन सी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको रिप्लेस करेंगे हम यहाँ पर वन से, कैसे करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह लिखेंगे वन प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जो नीचे हमारे पास है कॉस थीटा
इंटू साइन थीटा, यहाँ पर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगाई है तो रीज़न लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो वन अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, क्या मिलेगा आगे देखो, वन बाय कॉस थीटा रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा मालूम होगा ये होता है सेकेंड थीटा, वन अपॉन साइन थीटा रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा ये होता है कॉसिकेंड थीटा, प्लस साइन थीटा कैंसिल, कॉस थीटा कैंसिल, कैंसिलेशन के बाद हमें यहाँ पे मिलेगा वन। अब ध्यान से देखो हमारा RHS क्या था, हमारा RHS था वन प्लस सीकेंड थीटा कोसेकेंड थीटा, ये उसी फॉर्म में है बट थोड़ी सी वेरिएशन है, उसको उसके अकॉर्डिंगली सेट करें तो वन को हम आगे ले आते हैं कॉमोटेटिव लॉ से, और नेक्स्ट हमारा रहेगा यहाँ पे सीकेंड थीटा इंटू कोसेकेंड थीटा जो किसके इक्वल है RHS, हमें मिल गया RHS तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं हेंस प्रूव्ड। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं, रूट वन प्लस साइन ए अपॉन वन माइनस साइन ए इज इक्वल टू सीकेंड ए प्लस टेंजेंट ए। यहाँ पर अगर ध्यान से देखा जाए हमारा जो LHS है वो है रूट वन प्लस साइन ए अपॉन वन माइनस साइन ए, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो फंक्शंस हैं ऑलरेडी बेसिक है, तो बेसिक को कैसे हम आगे फर्दर ब्रेक करें, तो उस केस में हमारे पास एक और ऑप्शन आती है रैशनलाइजेशन की, जो आपने क्लास 9 में पढ़ा हुआ है, मैं उसको यहाँ पर रैशनलाइज करूँगी। कैसे करूँगी, रूट ध्यान रखना रूट हमारा साथ के साथ चलेगा, वन प्लस साइन ए अपॉन वन माइनस साइन ए, मुझे इसको यहाँ पे करना है रैशनलाइज। रैशनलाइज में हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में जो साइन होता है उसको चेंज करेंगे और उसे एक बार ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, रूट हमारा साथ के साथ चलेगा। नेक्स्ट स्टेप में वन प्लस साइन ए इंटू वन प्लस साइन ए, ए इंटू ए होल स्क्वायर, मतलब वन प्लस साइन ए होल स्क्वायर अपॉन वन माइनस साइन ए वन प्लस साइन ए, मतलब एलजेब्रिक आइडेंटिटी ए माइनस बी ए प्लस बी, ये बन जाएगा वन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, रूट हमारा साथ के साथ चलेगा। अब अगर ध्यान से देखें यहाँ पर रूट है यहाँ पर स्क्वायर है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा वन प्लस साइन ए अपॉन वन स्क्वायर होगा वन माइनस साइन स्क्वायर ए रहेगा साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ पे क्योंकि होल स्क्वायर नहीं था तो इसका रूट कैंसिल नहीं होगा, ये हमें मिलेगा रूट के साथ, ठीक है। अब मैं अगर अपनी आइडेंटिटी पे चलती हूँ इस साइड, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन यहाँ पर होता है, इसको अगर मैं फर्दर डिराइव करूँ फिर से लिख के साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इज इक्वल टू वन, इसको अगर मैं फर्दर डिराइव करूं और इस फॉर्म में लेकर आऊं, मतलब साइन स्क्वायर ए को मुझे माइनस में चाहिए तो उधर लेके जाएंगे, ये रहेगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर हमें वन माइनस साइन स्क्वायर ए या थीटा मतलब एंगल का स्क्वायर रूट चाहिए, तो स्क्वायर रूट कैसे होगा, जब इस स्क्वायर को हटाया जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट वन माइनस साइन स्क्वायर ए, तो वन माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, वो होता है कॉस थीटा के इक्वल, तो यहाँ पर मैं रिप्लेस कर सकती हूँ वन प्लस साइन ए अपॉन रूट ऑफ वन माइनस साइन स्क्वायर ए इज द डिराइव्ड आइडेंटिटी दैट इज व्हाट कॉस, अब वहाँ पे थीटा लिखा है तो यहाँ थीटा नहीं लिखेंगे, जो एंगल हम यूज़ कर रहे हैं वही लिखेंगे कॉस ए, और रीज़न क्या लिखेंगे, आइडेंटिटी जो हमने यूज़ की है हम यहाँ पर इसकी बेसिक आइडेंटिटी लिख सकते हैं, वो क्या है साइन स्क्वायर, अब यहाँ पर ए है तो ए ले लेते हैं ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन। नेक्स्ट इसे सॉल्व करें तो ये होगा वन बाय कॉस ए प्लस साइन ए बाय कॉस ए, तो वन अपॉन कॉस ए आपको मालूम है क्या होता है, वो होता है सीकेंड ए प्लस साइन ए बाय कॉस ए क्या होता है टेंजेंट ए, तो क्या ये हमारे RHS के इक्वल है, हाँ है, सो इट इज़ इक्वल टू RHS हैंस प्रूव्ड। तो यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चन किए हैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी के ऊपर, पीछे हमने कुछ क्वेश्चन किए हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, उससे पीछे हमने किए थे रेशियोज़ के, इन सबको मिला के हमारा जो चैप्टर है यहाँ पे ख़त्म होता है ट्रिग्नोमेट्री। मैं अगले वीडियो में लास्ट ईयर बोर्ड में जो क्वेश्चन आए थे वो डिस्कस करूँगी, तब तक कीप रिवाइजिंग।